आने वाले समय में नगरोटा बागवान सिविल अस्पताल को 100 बिस्तरों में अपग्रेड किया जाएगा। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने मानसिंबल में बेटी बचाओ अभियान पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात में असंतुलन बहुत चिंतनीय है और सरकार ने इस अनैतिक कार्य में लिप्त लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर प्रदेश में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाज की इस भ्रांति को तोड़ने के लिए नियमों एवं कानूनों के अलावा सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करें और चंद सिक्कों के लिए अपनी नैतिकता का त्याग ना करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों स्वास्थ्य सुरक्षा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य मानकों में देश में बेहतर है और सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में 200 नए चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं और पैरामेडिकल के भी विभिन्न पद भरे जा रहे हैं। इससे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर दर्शन गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बेटी बचाओ अभियान पर आयोजित कार्यशाला की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 67 अल्ट्रासाउंड केंद्र कार्यरत हैं, इनमें से 40 सरकारी और 27 निजी क्षेत्र के हैं। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों की निरंतर जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि लिंग जांच कानूनी अपराध है और ऐसा करने वालों को 50,000 से 1,00,000 का जुर्माना तथा 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति करने वाले समूह को 10,000 रुपये देने की घोषणा की। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अक्षौण में जन समस्याएं सुनी और मौके पर भी कईयों का निपटारा किया। मेडिकल कॉलेज सुधार है और हमारे छोटे भाई भी कह रहे कि नगरोटा का अस्पताल भी 100 बेडेड बना दो। मैंने अपने भाई को कहा है बना तो देंगे मुख्यमंत्री जी, पर वहां पर आईपीडी भी ठीक होनी चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब हमारे इलाके में भी घूमे, मुझे कहने लगे परमार साहब अस्पताल तो आपने अपग्रेड करवा लिए पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अब अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके लिए मैंने कहा हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए कुप्पा जी हम आपके अस्पताल को भी मुख्यमंत्री जी के दिशा अनुसार आपके अस्पताल को भी 100 बेडेड करने वाले वो भी हो जाएगा, कमी नहीं है इस व्यवस्था में। अभी अभी फोन आया था मुझे सीएम ऑफिस से कि भाई क्या कर रहे हो, मैंने कहा मेरे साथ बैठे हैं तो हम तो कितने इन कामों के लिए, अब 56 टेस्ट होंगे, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर जितने अस्पताल हैं हम उन अस्पतालों को उस व्यवस्था से जोड़ने वाले हैं, निशुल्क होगा, एक नया पैसा नहीं। तो कुल मिलाकर के बहुत कुछ है कहने को, पर आज तो सिर्फ इतना बेटी बचानी है और ये काम महिलाओं का कम और उनके परिवार के लोगों का ज्यादा है। पुरुषों की भी इसमें पहल होनी चाहिए, भ्रांतियों को तोड़े, व्यवस्थाओं को खत्म करें और अपने परिवार में इस नारे को हमने जन जन तक ले जाना है। नारा ही नहीं, और मैं अपने सीएमओ साहब से भी बात, एक स्वास्थ्य विभाग का मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं, सख्ती कर दें, सख्ती करें इस मामले में, ना अपना ना पराया। कोई अगर गलत काम कर रहा है तुरंत कार्रवाई करें, और अपना भी कोई आदमी उनके साथ मिला है तो उसकी जानकारी भी हमारे तक है। और जो कानून बनाया गया है उस कानून के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आप करें, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं तो कानून बहुत बनते हैं, उन कानूनों से बचने के लिए भी कई कानून बन जाते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं को आप मजबूत करें और मॉनिटरिंग करें,
ताकि यहां जो गलत धंधा चल रहा है, धंधा ही कहूंगा, यानी पैसे को अनैतिक रूप से कमाने के लिए जो गलत काम यहां पर किया जा रहा है, उनके ऊपर हम लगाम लगा सके, यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारी खैरा जोन